हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस पर। देखिए, फाइल एक्सटेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन होता है जो अक्सर कैंडिडेट यहाँ पर गलती कर देते हैं। सरल सा क्वेश्चन होता है लेकिन ट्रिकी होता है, तो एक बार अगर आप इसको समझ लेंगे तो जरूर आप 1 से 2 नंबर आज के सेशन में अपने कंफर्म कर लेंगे। तो बात करेंगे फाइल एक्सटेंशन के बारे में। देखिए, किसी भी फाइल की अगर हम बात करें, जब आप उस कंप्यूटर में किसी भी फाइल को क्रिएट करते हैं तो वो 2 पार्ट्स में होती है। एक होता है फाइल का नाम जो कि यूजर खुद रखता है, और दूसरा होता है फाइल का एक्सटेंशन जो फाइल खुद ब खुद लेती है। फाइल के एक्सटेंशन से ही पता चलता है कि वो फाइल किस तरीके की है, फाइल का नेचर क्या है। तो ये फाइल खुद ब खुद अपने आप लेती है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि फाइल के उस पार्ट का नाम बताइए जो मैन्युअली पर्सन एंटर करता है, या प्रोग्रामर एंटर करता है, या कंप्यूटर होल्ड करने वाला एंटर करता है। तो मैन्युअली जो एंटर किया जाता है उसे फाइल नेम बोलते हैं, और जो ऑटोमेटिक होता है उसे फाइल एक्सटेंशन बोलते हैं। तो इसी फाइल एक्सटेंशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि कंप्यूटर अवेयरनेस को लेकर एक बैच भी यहाँ पर आपके लिए तैयार किया गया है, जिसमें 35 क्लासेस के अंदर पूरी कंप्यूटर को कवर कर दिया गया है। तो अभी तक अगर आपके कंप्यूटर को लेकर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है और आपने इस बैच से कनेक्ट नहीं किया है, तो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए और कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इंश्योर करने के लिए ड्रीम बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि IBPS और बैंकिंग फील्ड के लिए वन ऑफ द बेस्ट बैच है। बाकी फीचर्स इस बैच के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जहाँ पर 35 प्लस आवर्स का ये कोर्स है। PDF आपको मिलेगी, कंप्यूटर कैप्सूल आपको मिलेगा, और एक परफेक्ट टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको मिलने वाली है इस बैच के अंदर। इस बैच से कैसे कनेक्ट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं, और किसी भी इंक्वायरी के लिए, किसी भी कंफ्यूजन के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस सेशन को। हैव अ लुक गाइस। तो ये रहे आपके सामने एक्सटेंशंस। जैसे MS Word 2003 का एक्सटेंशन क्या होता है बताइए। तो पुराने वाले वर्जन की अगर बात करें MS Office में, तो आप लोग जानते हैं ओल्ड वर्जन कौन सा है, 2003 है। लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 2007 है। और 2007 के बाद वाले जितने भी वर्जन हैं वो सब आपके लेटेस्ट वर्जन में काउंट होंगे। जैसे 2007, 2010, 2013, 2016 और 2019। इसका मतलब जो लेटेस्ट वर्जन है एमएस ऑफिस का, या एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट का, वो है आपका 2019। क्या ये बात क्लियर है? तो आप फटाफट से मुझे बताइए कि MS Word 2003 का जो वर्जन है वो क्या है। बिल्कुल सही, दैट इज .doc। डॉक्यूमेंट फाइल होती है जिसे .doc से इंडिकेट करते हैं, और DOC की फुल फॉर्म क्या है, डॉक्यूमेंट। लेटेस्ट वाले केस में इसका आंसर क्या होगा, .docx होगा। X का मतलब होता है एक्सटेंडेड, यानी लेटेस्ट है जो एक्सटेंडेड है पुराने वाले से, इसी को हम बोलते हैं .docx। क्लियर। अब बात करते हैं MS Excel के बारे में। तो MS Excel की 2003 वाले वर्जन का एक्सटेंशन क्या होगा? बिल्कुल सही, दैट इज .xls। और अगर लेटेस्ट वाले वर्जन की बात करें, 2007, 10, 13, 16 और 19 वाले वर्जन की बात करें, तो Excel के केस में आंसर क्या होगा? वेरी गुड, दैट इज .xls x। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ते हैं। MS PowerPoint, इसके ओल्डेस्ट और लेटेस्ट वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओल्डेस्ट यानी 2003 वाले वर्जन में आंसर क्या होगा, .ppt होगा, आप लोग जानते होंगे। और लेटेस्ट वाले वर्जन की अगर हम बात करें, 2007, 10, 13, 16 और 19 के बारे में बात करें विद रिस्पेक्ट टू दी PowerPoint, तो आंसर होगा .pptx। यहां तक तो क्लियर है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। क्यों? क्योंकि MS Excel सबसे ज्यादा पूछा जाता है और यहीं पर कैंडिडेट गलत करते हैं।
अब आप सोच के देखिए कि आपको पता है एमएस एक्सेस 2003 का वर्जन क्या है और एमएस एक्सेस के लेटेस्ट वाले प्लेटफॉर्म का वर्जन क्या है, सोच के देखिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो एमएस एक्सेस में अगर ओल्डेस्ट वर्जन की बात करेंगे तो आंसर होगा .mdb. देखिए एक्सेस को डेटाबेस भी बोला जाता है, तो इसलिए डीबी का मतलब यहां पर क्या है, डेटाबेस, और एम का मतलब यहां पर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस दैट इज .mdb, ये हो गया एमएस एक्सेस 2003 का वर्जन। लेटेस्ट वाले की बात कर लेते हैं, इसका है .accdb यानी डॉट एक्सेस डेटाबेस। तो अगर आप दोनों में देखें तो एक चीज तो कॉमन है, डेटाबेस यानी डीबी और डीबी दोनों में कॉमन है। पहले वाले में माइक्रोसॉफ्ट को प्रायोरिटी मिल गई है तो एम लिख दिया गया है, और दूसरे वाले में एक्सेस को प्रायोरिटी दे दी है तो एसीसी लिख दिया है। समझ में आ गया? तो डॉट एमडीबी हो जाएगा फर्स्ट वाले केस में, और लेटेस्ट वाले केस में हो जाएगा डॉट एसीसीडीबी। और इन दोनों में से एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं, पीडीएफ फाइल। पीडीएफ, इसको तो आप लोग जानते ही हैं, पीडीएफ क्या होता है? ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है कि पीडीएफ फाइल का एक्सटेंशन बताइए, क्योंकि पीडीएफ अपने में क्या है, एक्सटेंशन है। बेसिकली इस फाइल को बोला जाता है एक ऐसी फाइल जिसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अ फाइल दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ऐसी फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट पीडीएफ। और एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड, या फिर उस फाइल को क्या कहते हैं जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, जिसे बदलाव नहीं किया जा सकता, जिसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो आंसर होगा डॉट पीडीएफ। पीडीएफ की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, जरा बताइएगा आप, पीडीएफ फाइल को रीड करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? पीडीएफ फाइल को रीड करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, यह भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन का बेस्ट क्वेश्चन है। विच फाइल इज रिक्वायर्ड टू रीड द पीडीएफ फाइल, तो आंसर क्या होगा सोचिएगा। बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड एडोब रीडर। पीडीएफ रीडर भी कई लोग बोलते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, एडोब रीडर। एडोबी बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एक कंपनी है, आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस कंपनी है, दैट इज कॉल्ड एडोबी। तो इसी का ही रीडर है, दैट इज कॉल्ड एडोब या फिर एडोबी रीडर, टू रीड द पीडीएफ फाइल्स, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नोट पैड फाइल के बारे में। तो नोट पैड, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन फाइल, है ना, बहुत ही सिंपल सी फाइल होती है, हर किसी ने नोट पैड पे काम तो जरूर किया होगा। तो बताइए नोट पैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड .txt, इसे टेक्स्ट फाइल भी बोला जाता है, तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, .txt होगा, क्लियर है। नेक्स्ट है वर्ड पैड फाइल, इसका एक्सटेंशन बहुत कम लोग जानते हैं, और ये एक ऐसी फाइल है जो माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर में होती ही होती है, वर्ड पैड फाइल, इसका एक्सटेंशन क्या होगा, तो इसका एक्सटेंशन होता है .rtf, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है वर्ड पैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, तो आंसर है .rtf, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, क्लियर है। इस क्वेश्चन को बदल के भी पूछ लेते हैं कि RTF जो एक्सटेंशन है वो किस फाइल का होता है, तो आंसर इस केस में क्या होगा, वर्ड पैड फाइल का होता है। तो दोनों तरीके से आपको यहां पर याद रखना होगा। नेक्स्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में आप जानते हैं कि प्ले स्टोर पर जाकर हम लोग कई सारी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल और डाउनलोड करते हैं। अब ये जो एप्लीकेशंस होती हैं एंड्रॉयड में, इनका एक्सटेंशन क्या होता है, क्या आपको पता है? वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड .apk, क्या होता है, .apk होता है। तो यहां पर दो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, एक तो एक्सटेंशन पूछा जाता है और दूसरा ये पूछा जाता है कि APK की फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड एंड्रॉयड पैकेज किट, एंड्रॉयड पैकेज किट। यहां तक समझ में आया? आगे देखिए, फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर।
कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि फाइल हमेशा एग्जीक्यूट होती है ना। जब कोई भी सॉफ्टवेयर हम क्रिएट करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर की जो फाइल होती है नॉर्मली वो क्या करती है? एग्जीक्यूट। तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा? .exe होगा। क्या होगा? .exe होगा। और exe की फुल फॉर्म होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल। नेक्स्ट देखिए, CSS। जब भी हम किसी भी वेबसाइट को डेवलप करते हैं तो वहां पर तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तीन लैंग्वेजेस की इनफैक्ट रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी? HTML, CSS और JavaScript। यहां पर आपको बताना है CSS के फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो आंसर होगा .css, यानी CSS है और इसका एक्सटेंशन भी क्या है? .css। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि CSS की फुल फॉर्म बताइए। कैस्केडिंग स्टाइल शीट करेक्ट आंसर होगा। CSS की मदद से हम किसी भी वेबसाइट में लुक एंड फील दे सकते हैं, यानी उसके स्टाइल को बदल सकते हैं। तो स्टाइल देने के लिए किसी भी वेबसाइट पर CSS का हम लोग यूज करते हैं, जिसका एक्सटेंशन .css है और इसकी फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बैकअप फाइल्स। कई बार हम लोग बैकअप मेंटेन करते हैं, कई बार व्हाट्सएप भी बैकअप मेंटेन करता है। अलग अलग फाइल्स अलग अलग फोल्डर में हम लोग बैकअप को मेंटेन करते हैं। तो बैकअप का एक्सटेंशन क्या होता है? आंसर है .bak, .bak फॉर दी बैकअप फाइल्स। नेक्स्ट HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी मदद से हम वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। ये है आपकी HTML लैंग्वेज, जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चर देते हैं किसी भी वेबसाइट को, दैट इज HTML लैंग्वेज। और इसका एक्सटेंशन क्या होगा? .html या .htm, दो एक्सटेंशन होते हैं, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। .htm भी सही है और .html भी करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्रेस्ड फाइल। किसी भी फाइल को जब हम छोटा करते हैं तो वो कॉम्प्रेस्ड फाइल होती है, और छोटा करने के लिए हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। तो आपको बताना है कि कॉम्प्रेस्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसके भी दो एक्सटेंशन होते हैं, एक होता है .rar और दूसरा होता है .zip। तो दो तरीके के हो गए, .zip एक्सटेंशन हो गया या .rar हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एडोबी फोटोशॉप या एडोब फोटोशॉप कह सकते हैं। बताइए, फोटोशॉप का यूज है ना, कई सारी इमेजेस को रेक्टिफाई करने के लिए, इमेजेस को एक लुक एंड फील देने के लिए, मल्टीमीडिया के पर्पस से फोटोशॉप का यूज करते हैं। तो आपको बताना है कि फोटोशॉप का एक्सटेंशन क्या होता है। आंसर है .psd, .psd फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट .psd। नेक्स्ट देखिए, फाइल फॉर्मेट विच स्टोर रिकॉर्ड्स सेपरेटेड बाई कॉमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार RRB में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बताइएगा, फाइल फॉर्मेट विच स्टोर रिकॉर्ड्स सेपरेटेड बाई कॉमा, तो कॉमा के थ्रू जो है वो रिकॉर्ड्स को अलग अलग किया गया है। ये एक तरीके की स्प्रेडशीट फाइल होती है जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होती है, एक्सेल के तरीके से ही होती है, लेकिन सेपरेटेड बाई कॉमा होती है। दिस इज कॉल्ड .csv, दिस इज कॉल्ड .csv, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज .csv। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आउटलुक डेटा स्टोर। MS आउटलुक के बारे में आप लोग जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का एक ईमेल क्लाइंट है, दैट इज कॉल्ड MS आउटलुक, जिसको पहले हॉटमेल के नाम से जाना जाता था। मिस्टर सबीर भाटिया ने इसको बनाया था और आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया और नाम बदल दिया इसका और कर दिया MS आउटलुक। तो MS आउटलुक का जो डेटा स्टोर होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका आंसर होगा .psd, .psd। नेक्स्ट, टेम्परेरी फाइल्स। कई बार आप देखते हैं आपके सिस्टम में टेम्परेरी फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं, जिसको आप डिलीट भी करते हैं कई बार सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। तो जब भी हम अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो साथ ही साथ उसकी एक टेम्परेरी फाइल भी क्रिएट हो जाती है।
तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .tmp टेम्परेरी फाइल्स। नेक्स्ट ऑडियो फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन बताइए। ऑडियो फाइल्स यानी जिसके थ्रू आप गाने सुनते हैं, ऑडियो फाइल्स जो होती हैं, इन इस फाइल के एक्सटेंशन के बारे में बताइए। बिल्कुल सही, बहुत ही फेमस है, MP3 फाइल्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज MP3 फाइल्स। और यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि MP3 की फुल फॉर्म बताइए, वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ MP3। तो MP का मतलब क्या है, MPEG। M का मतलब यहाँ पर क्या होगा, MP का मतलब क्या है, MPEG। ऑडियो लेयर 3 का मतलब क्या है, ऑडियो लेयर 3। तो MPEG ऑडियो लेयर 3, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ MP3। अब ये MPEG की फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर है मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, दैट इज कॉल्ड MPEG। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए वीडियो फाइल फॉर्मेट। अब जो वीडियो की फाइल्स होती हैं, है ना, ऑडियो का तो आप समझ गए क्या है, MP3 है, वीडियो फाइल्स का फॉर्मेट क्या होता है। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है वो है MP4। क्या है, MP4। और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, सेम वही MPEG4, MPEG4। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए पेंट फाइल। पेंट तो बचपन में बहुत किया होगा, बहुत सारी ड्राइंग्स आपने बनाई होंगी कंप्यूटर में पेंट की मदद से, बहुत सारे पहाड़ और झरने भी बनाए होंगे पेंट की मदद से। तो आज आप इसका एक्सटेंशन मुझे बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर से, पेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज, ये बिटमैप इमेज होती है, तो आंसर क्या होगा, .bmp। कई बार आपने सुना होगा बिटमैप इमेज, ये पेंट फाइल का ही एक्सटेंशन है .bmp। और अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है या .bmp किस फाइल का एक्सटेंशन है। और .bmp की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, दैट इज बिटमैप इमेज। बिटमैप इमेज के कॉन्सेप्ट को किसने दिया ये भी आपको याद रखना है, और वो कंपनी है आपकी जीरोक्स पारसी, जिसने मैक एड्रेस के कॉन्सेप्ट को दिया, उसी ने ही बिटमैप इमेज के कॉन्सेप्ट को ही दिया, दैट इज कॉल्ड जीरोक्स पारसी। एप्पल iOS एप्लीकेशन फाइल, जैसे एंड्रॉयड के केस में जो एप्लीकेशंस थी उनका जो एक्सटेंशन था वो क्या था, .apk था, अभी आप लोग ने देखा। तो iOS के केस में जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो एप्पल स्टोर से हम लोग डाउनलोड करते हैं और उसे इंस्टॉल करते हैं, उन फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आंसर यहां पर होगा, दिस इज कॉल्ड .ipa, .ipa। और IPA की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज iOS ऐप स्टोर पैकेज, iOS ऐप स्टोर पैकेज। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट। नेक्स्ट देखिए ट्रांसपेरेंट फाइल फॉर्मेट, एक ऐसी फाइल जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। कई बार आपने देखा होगा जो कंपनीज के लोगो होते हैं या कई सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं पीछे से, है ना, खास तौर पे लोगोज या इमेजेस के लिए यूज की जाती हैं। और इस फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, तो आंसर है, दिस इज कॉल्ड PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल, दैट इज .png, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट देखिए लूप इमेज फाइल फॉर्मेट, बहुत ही फैशन में है आजकल ये फाइल फॉर्मेट, लूप इमेज, यानी लगातार वो वीडियो के फॉर्म में आपको चलती हुई इमेज दिखती है और लगातार लूप में रहकर एक ही चीज बार बार आती रहती है। तो ऐसी फाइल आपने देखी होगी व्हाट्सएप, हर जगह आपके टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इवन फेसबुक, हर जगह पर आपको ऐसी फाइल्स देखने को मिलती हैं। तो बताइए उस फाइल को क्या बोलते हैं। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड GIF, .gif फाइल, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट MS Word मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट। अब यहां पर देखिए मैक्रोस क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया है कि मैक्रोस का यूज हम करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, विजुअल बेसिक की मदद से इसको बनाया जाता है। तो वो फाइल MS Word की जो मैक्रो इनेबल्ड है उसका एक्सटेंशन क्या होगा, तो बहुत आसान है, MS Word का एक्सटेंशन होता है .doc या .docx। तो यहां पर .doc तो कॉमन रहेगा
और मैक्रोस के लिए एम लग जाएगा आगे, तो डॉट DOCM इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए? तो क्वेश्चन में जब भी मैक्रोस देख लें तो बस आगे आपको क्या लगा देना है, एम लगा देना है। सेम विद द केस ऑफ एक्सेल के केस में भी यही होगा, डॉट XLS एक्सेल का होता है और एम अगर आप लगा देंगे इसके आगे तो बन जाएगा मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, तो डॉट XLS एम। नेक्स्ट, पावर पॉइंट मैक्रो इनेबल्ड प्रेजेंटेशन। अब पावर पॉइंट विद मैक्रो, तो पावर पॉइंट का क्या होता है डॉट PPT, और मैक्रो अगर लग जाएगा इसके आगे तो क्या बनेगा डॉट PPTM, तो आंसर क्या होगा डॉट PPTM। तो ये वो एक्सटेंशंस हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। आई होप आपको इनकी फुल फॉर्म्स, एक्सटेंशन के नेम, इनका काम समझ में आया होगा, राइट? अगर सेशन पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही वीडियोस के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।